एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगामेड़ी धाम है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और दिखाएंगे कैसा धाम है, कैसे आप वहां विजिट कर सकते हैं, कितने मंदिर है, कैसे आप वहां तक पहुँच सकते हैं, पास सिटी कौन सी है, रेलवे से पहुँच सकते हैं या फिर बस से पहुँच सकते हैं और कैसा ये मंदिर है, ये सब जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तब तक आप पहले रोड के थोड़े से नज़ारे ले लीजिए। तो हम चले हैं अभी हिसार सिटी से। तो ये मंदिर दोस्तों हिसार सिटी से लगभग 78 से 80 किलोमीटर्स के अप्रोक्स है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट हिसार से रोडवेज बस भी ले सकते हैं जो हरियाणा के हिसार सिटी से, और आप यहाँ से रेल भी ले सकते हैं, यहाँ ट्रेन भी है गोगामेड़ी धाम तक और बस सर्विस भी आपको आराम से मिल जाएगी। यहाँ प्राइवेट बसें भी मिलती है और रोडवेज बसें भी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों जैसे ही आप गोगामेड़ी धाम के अंदर एंटर करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड के अंदर गेट दिख रहा है, वो गोगामेड़ी धाम का बड़ा गेट है, मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है मंदिर के जाने की। तो पहले दोस्तों हम दर्शन करेंगे गोरख टीला की, क्योंकि दोस्तों पहले दर्शन होते हैं गोरखनाथ जी के, क्योंकि गोरखनाथ जी हैं गोगापीर जी के गुरु। तो पहले वहीं दर्शन होते हैं, वहीं धूप लगती है, उसके बाद आप गोगामेड़ी के दर्शन कर सकते हैं। तो जो पास में अभी ये दुकानें लगी हुई हैं, अभी मेला भरा नहीं है तो ये कुछ दुकानें अभी लगी हुई हैं, तो यहाँ से आप सभी प्रकार के घोड़े ऊंट जैसे गुड़िया गुड्डे कोई भी खेल खिलौने अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं या फिर बहुत से प्रकार का आप सामान यहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये राजस्थान रोडवेज की बस गई है, तो यहाँ राजस्थान रोडवेज की बस भी आपको मिलेगी। ये नॉर्थ तहसील के अंदर आता है दोस्तों ये मंदिर, और हनुमानगढ़ जिले में आता है। तो दोनों मंदिर के बीच की थोड़ी सी दूरी है, तो पहले आप गोरख टीला की तरफ जाएंगे तो करीब करीब आपको 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद ये मंदिर आएगा। यहाँ पे आपको सभी खाने के ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे होटल ढाबे बहुत सारे यहाँ बने हुए हैं, यहाँ पे अच्छी पार्किंग की सुविधा भी है। तो ये देखिए दोस्तों हम पहुँच सके हैं पहले गोरख टीले के ऊपर, तो आप मेन गेट देख सकते हैं क्या सुंदर मेन गेट बनाया हुआ है। तो चलिए धीरे धीरे हम आपको मंदिर के पूरे दर्शन करवाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, मंदिर का परिसर आपको दिखाएंगे कैसा है, कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक SBI का ATM भी मिलेगा, यहाँ पे SBI की ब्रांच भी है, यहाँ से आप कैश भी निकलवा सकते हैं और फिर बैंकों के आप पे आपको यहाँ ATM मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों कितना बड़ा मंदिर है, कितना बड़ा गेट है ये। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे इसके अंदर तो आपको सामने बहुत सारी दुकानें यहाँ मिल जाएंगी, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, खेल खिलौने ले सकते हैं या फिर दूसरे आप सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर भी आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, यहाँ डायरेक्ट आप गाड़ी अपने अंदर लेके आ सकते हैं और यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको गेट दोबारा से दिखाएं क्या सुंदर गेट है, और यहाँ पे देखिए कितनी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, अंदर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको एंट्री यहाँ करनी है मंदिर के अंदर। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये गोरख टीला का मंदिर है, यहाँ पे गोरखनाथ जी की पूजा होती है, यहीं दर्शन होंगे आपको गोरखनाथ जी के। पहले आपको दर्शन करने पड़ेंगे फिर आप गोगापीर जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ धूप लगती है। तो ये हम यहाँ से लाइनों के अंदर जाएंगे और फिर अंदर मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे।
दोस्तों जो आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तालाब दिख रहा है, इसके अंदर दोस्तों स्नान होता है। जब मेले का टाइम होता है तो यहाँ स्नान करके फिर ही धूप लगती है, और वहाँ पे अच्छी देखने की जगह भी है, पार्क भी है, तो आप वहाँ पहले स्नान भी कर सकते हैं। अभी तो पानी था नहीं तो हमने स्नान नहीं किया और डायरेक्ट हमने मंदिर के अंदर धूप लगाई। तो दोस्तों आपको बता दें, मंदिर के अंदर आगे जहाँ पे फ़ोटो है गोरखनाथ जी की, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने अंदर का कोई भी सीन नहीं दिखाया आपको। हम आपको मंदिर के मेन गेट तक लेके जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे दर्शन थे, फिर आपको बताएंगे कि मंदिर कैसा था अंदर से, या फिर सभी जानकारी आपको इसके अंदर हम देंगे। तो दोस्तों देखिए, हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों जब हम दर्शन करके यानी धूप लगा के बाहर निकले तो बहुत ही अच्छे हमने दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा मंदिर था अंदर से, अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से हमने धूप लगाई और फिर हम बाहर आ गए। अंदर दोस्तों कैमरा अलाउ नहीं था तो हम आपको अंदर के सीन नहीं दिखा सकते। तो ये दोस्तों मंदिर के बाहर का नज़ारा है जहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं। जब मेले का टाइम होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये मंदिर फुल भरा हुआ होता है श्रद्धालुओं से। अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी मेले का टाइम नहीं है, थोड़े थोड़े श्रद्धालु आ रहे हैं। और देखिए बाहर ये रूम बने हुए हैं और यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई हैं जिससे आप सभी प्रकार का प्रसाद ले सकते हैं। और दोस्तों फिर हमने गोरख टीले पे धूप लगाकर गोगामेड़ी की तरफ अपनी गाड़ी को लेके गए और अब हम यहाँ पे गोगामेड़ी के ऊपर धूप लगाएंगे गोगा जी की। और देखिए यहाँ पे ये दुकानें बनी हुई है जहाँ से आपको सभी प्रकार का सामान मिल जाएगा, सभी प्रकार के खिलौने प्रसाद भी यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों दोनों मंदिर के बीच की दूरी है थोड़ी सी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की, उसके बाद आपको यहाँ आना पड़ता है। आप पैदल भी आ सकते हैं डायरेक्ट, और आप अपनी गाड़ी या कोई भी व्हीकल आपके पास उससे भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छी पार्किंग मिल जाएगी। यदि मेले का टाइम है तो आपको बार पार्क करना पड़ता है, यदि खुला टाइम है तो आप यहाँ से मंदिर तक अपनी गाड़ी ले या फिर व्हीकल लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों हमने गाड़ी अपनी पार्क की और मंदिर की तरफ हम बढ़ लिए। और दोस्तों आपको बता दें, पहले ये मंदिर नहीं था, अभी कुछ साल पहले ये मंदिर बना है। अभी बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया है गोगामेड़ी का, और यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मिल जाएगी, जैसे ठहरने की सुविधा भी आपको यहाँ मिलेगी, सभी प्रकार के खाने के लिए होटल ढाबे सब कुछ यहाँ बने हुए हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे रह भी सकते हैं। इस आपके सामने ये गोगामेड़ी गोगापीर जी का मंदिर है। जब दोस्तों हमने मंदिर के अंदर एंट्री की तो यहाँ लाइनों के अंदर एंट्री होती है और आप आराम से इस मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है, अभी ये मंदिर बना है कुछ साल पहले ही,
और यहाँ से डायरेक्ट आप इसके अंदर विजिट करेंगे तो सामने आपको दिख भी रहा होगा कि जहाँ पे LED लगी हुई है वहाँ पे गोगापीर जी की समाधि स्थल है। देखिए हमने यहाँ पे गोगापीर जी की समाधि स्थल पे दर्शन किए, धूप लगाई और आपके सामने है, आप देख सकते हैं आराम से। और धूप लगाने के बाद हम जब बाहर निकले तो मंदिर का पूरा हमने नज़ारा देखा, बहुत ही सुंदर मंदिर है आपके सामने। पहले ये छोटे वाला मंदिर था जो हमने दिखाया आपको समाधि स्थल, फिर अभी कुछ साल पहले ये बाहर का जितना भी मंदिर है अभी ये बना है, तो आप देख सकते हैं मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोस्तों हमने धूप लगाने के बाद बाहर की तरफ हम बढ़ लिए और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी मंदिर से बाहर आ सकते हैं। इस मंदिर में आने के लिए दोस्तों आपको हिसार सिटी से डायरेक्ट बस मिलेगी, ट्रेन भी मिलेगी, आप डायरेक्ट वहाँ से आ सकते हैं। बस आपको करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर यहाँ पहुँचा देगी और फिर आप यहाँ से दर्शन करके आराम से दोनों जगह, और फिर आपको यहाँ से प्राइवेट बस या फिर रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, सभी बसें आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी। आप डायरेक्ट हिसार सिटी के अंदर जा सकते हैं या फिर आप किसी दूसरी सिटी से आते हैं तो वहाँ से भी डायरेक्ट आपको यहाँ बस मिल जाएगी। और बाहर का नज़ारा देखिए दोस्तों, क्या सुंदर मंदिर है। हमने दर्शन किए अच्छे से, हमारे अच्छे से दर्शन हुए और फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े, यानी अपनी पार्किंग की तरफ चल पड़े जहाँ से हमने जहाँ पर हमने हमारी गाड़ी पार्क की थी। तो दोस्तों आप भी गोगामेडी धाम के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं मंदिर कैसा है, आप दर्शन कर सकते हैं, गोरख टीला पे जा सकते हैं और आराम से आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार आप लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर कर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आने वाले समय में आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, कैसे आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग टूरिस्ट प्लेस है, सभी जानकारी हम देते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर।